Guys, welcome to my YouTube channel Civil Services and Aspiration. So today we are going to start class 9th science chapter Matters in Our Surrounding. So let's start. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. यानी कि हम अपने आसपास जितनी भी सारी चीज़ों को देखते हैं वो किसी ना किसी material से बनी होती है, और अगर उसे science की भाषा में कहें तो matter से बनी हुई है. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, planets, plants, animals and even a small drop of water or a particle of sand, each thing is matter. Everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space. जितनी भी सारी चीज़ें हमने अभी ऊपर देखी सब space occupy करती हैं. हर किसी की volume होती है, एक mass होता है, एक weight होता है. Since the early times, human beings have been trying to understand their surrounding. बहुत पहले के समय से जो इंसान है वो अपने surroundings के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है. Early Indian philosophers classified in matters in the form of 5 basic elements. जो Indian philosophers हैं उनने matter को 5 basic elements में divide कर दिया है, यानी कि 5 तत्व. These are air, earth, fire, sky and water. जल, वायु, आकाश, धरती. According to them, everything, चाहे वो लिविंग हो और नॉन लिविंग, वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. अकॉर्डिंग टू दैम एवरी थिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स विच आई हैव टोल्ड यू. एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैव अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे वो भी इन इंडियन फिलोसफर्स के साथ मैच करते हैं. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. जो आज के ज़माने के साइंटिस्ट हैं उन्होंने दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया है मैटर को, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. मीन्स इस चैप्टर में सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैटर की, और आगे वाले चैप्टर्स में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फर्स्टली, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. दो तरह के थॉट्स थे जो सोसाइटी में प्रिवेल करते थे. वन स्कूल बिलीव दैट मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज अदर थॉट दैट द मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. यानी कि कुछ कहते थे कि मैटर जो है कॉन्टिन्यूस है, एक जगह स्थिर है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड. जबकि कुछ थॉट्स ऐसे थे जो कहते थे मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. यानी कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जो अलग अलग बिखरे हुए हैं. सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. कि चलिए अब हम एक्टिविटी देखेंगे और तब पता लगाएंगे कि क्या मैटर कॉन्टिन्यूस है या पार्टिकुलेट है. सो लेट सी द एक्टिविटी 1. सो वट यू हैव टू डू इज टेक अ 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल. आपको एक बीकर में पानी लेना है हाफ, और उसे मार्क कर दीजिए जहाँ तक पानी है. डिजॉल्व सम सॉल्ट या शुगर उसमें मिला दीजिए विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड. ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल. तो आप देखिए क्या सॉल्ट या वाटर मिलाने से वाटर के लेवल में कोई चेंज आता है, यानी कि उस मार्क जो आपने लगाया उससे घटा या बढ़ा है पानी. वट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट. तो आप सोच रहे होंगे कि सॉल्ट के साथ क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गया, वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज. दीज आर द क्वेश्चंस विच कम्स इन योर माइंड व्हेन यू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो हमें ये आइडिया लगाना है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है. वट वॉज देयर इन द स्पून. स्पून में क्या था, सॉल्ट और शुगर. Has now spread throughout the water like this. You can see in this picture. This is the water and we are adding salt or sugar and stirring it well.
So when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between the particles of matter. This is a very important point that when we dissolve a salt in water, जब हम water में salt मिलाते हैं, तो जो particles हैं salt के, वो mix हो जाते हैं, वो उनके अंदर enter हो जाते हैं, जो space है between particles of water, यानी कि water के particles के बीच में जो space है, उसमें salt dissolve हो जाता है. Now the second point is how small are these particles of matter, यानी कि ये मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, कितना इनका साइज होता है. सो हियर इज अ एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. टेक अ 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी कि आपको 2-3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के, एंड डिजोल्व दैम इन द 100 ml ऑफ वाटर. 100 ml ऑफ वाटर में इसे डिजोल्व करिए. टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, जो आपने पोटेशियम मिलाया है वाटर में उसमें से 10 ml निकाल लीजिए, एंड पुट इट इन टू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, और दूसरा साफ पानी लीजिए 90 ml, और उसमें 10 ml ये सॉल्यूशन डाल दीजिए. टेक आउट द 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इन, रिपीट दिस सेम प्रोसेस लाइक 5-8 टाइम्स. So what you will see the change in the color. So this experiment shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water. तो इस experiment से आपको पता चलता है कि जो potassium permanganate है उसका थोड़ा सा color large volume में डालने से भी वो पूरे water को color कर देता है. So we conclude that there must be a million of tiny particles. तो ये हमें पता चलता है कि जो मैटर है उसमें बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स हैं इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ. इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कि ये और डिवाइड होते जाते हैं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू, और जब इसका जब एंड पोजीशन आ जाती है, एक टाइम ऐसा होता है, एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें पार्टिकल्स अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी कलर में चेंज नहीं हो पाता. द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम. आप घर पे ट्राई कर सकते हैं विद अ डिटॉल. जस्ट टेक 2 ml ऑफ डिटॉल एंड मिक्स इट विद द 100 ml ऑफ वाटर एंड यू कैन सी द डिफरेंस. सो नेक्स्ट पॉइंट इज characteristics of particles of matter. तो अब हम पढ़ेंगे what are the characteristics of particles of matter. So the first is particles of matter have space between them. So in activity 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, dettol or potassium permanganate got evenly distributed in the water. तो अभी मैंने आपको बताया कि जो particles के जो matter के particles हैं वो distribute होते जाते हैं. Similarly, we make tea, coffee or lemonade. Particle of one type of matter get into the spaces between particles of the other matter. जो एक matter के particles होते हैं वो दूसरे matter के particle के space में अंदर mix हो जाते हैं. This shows that there is a enough space between particle of matter. तो इससे हमें पता चलता है कि जो particles है matter के उनमें space होता है. Next, second point is particles of matter are continuously moving. जो particles हैं matter के वो लगातार move करते रहते हैं. So here is a activity to understand it more clearly that put an unlit incense stick in a corner of your class. तो आपको क्या करना है, incense sticks यानी कि अगरबत्ती होती है जो, उसे जला के अपने एक class के corner में या room के corner में रख दीजिए. How close do you have to go near it and so as to get its smell? तो आपको देखना है कि आपको कितने पास जाके उसकी स्मेल आप तक पहुंच पाती है. Now light the incense stick. तो अब आपको वो स्टिक जला देनी है. तो what happen? Do you get the smell sitting at a distance? तो आप पाओगे कि आप दूर बैठकर भी उसकी स्मेल सूंघ सकते हो. And record your observation. And the second activity is take a 2 glass. या बीकर फिल्ड विद वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड. यानी कि फर्स्ट बीकर में तो आपको रेड या ब्लू कोई भी कलर की इंक डालनी है, और दूसरे बीकर में आपको हनी की ड्रॉप्स डालनी है. लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास. आप अपने घर में या उन्हें छोड़ दीजिए. नाउ रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन.
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इमिडिएटली जब आपने इंक ऐड करी तो वो फैलने लगती है, वो इंक स्प्रेड हो जाती है इवनली थ्रू आउट द वाटर, जबकि हनी नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी डिजोल्व. नाउ मूविंग फर्दर, सो वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मैटर क्या पोजेस करता है, काइनेटिक एनर्जी. एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज़्यादा पार्टिकल्स मूव करते हैं. सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है. इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, तो हमने इन एक्टिविटीज में देखा था कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं. दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन देम, और ये कैसे होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिससे दूसरे पार्टिकल्स उसमें मिक्स हो जाते हैं, अपने लिए जगह बना लेते हैं. This is intermixing of particle of two different type of matter on their own. तो जब दो अलग अलग तरीके के particles mix हो जाते हैं तो उस process को बोलते हैं diffusion. We also observe that on heating diffusion become faster. तो अगर हम उसी चीज़ को अगर heat के साथ करेंगे, with heating करेंगे, तो diffusion का जो process है वो और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा, वो और भी जल्दी mix हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के वो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सो द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस इज प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक फोर ग्रुप्स एंड फोर एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड. लाइक दिस यू हैव टू मेक अ चेन ऑफ ह्यूमंस ऑफ योर क्लासमेट और फ्रेंड्स. द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड each other at the, from the back and lock arms like this, you can see in this picture. The second group should hold hand to form a human chain. एक ग्रुप इस तरीके से कमर में हाथ डाल के लॉक कर लेगा अपने हाथों को, और दूसरा ग्रुप है वो अपने हाथ ज्वाइन कर लेगा, हाथ को पकड़ना है, और जो थर्ड ग्रुप है फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली फिंगर टिप्स, यानी कि जो तीसरा ग्रुप है वो सिर्फ फिंगर टिप्स से चेन फॉर्म करेगा. नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक दीज थ्री ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मैनी एज स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल, तो जो फोर्थ ग्रुप है वो ट्राई करेगा कि इन ग्रुप को तोड़ पाए. विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक, तो आप खुद ही बताइए कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा ईजी होगा तोड़ने के लिए. If we consider each student as particle, तो अगर हम अपने topic से relate करके देखें, तो अगर हम एक student को एक particle of matter मान लें, then in which group the particle held each other with the maximum force, तो आप बताइए कि कौन से group के particles एक दूसरे से maximum force के साथ जुड़े हुए हैं. This is the second activity to understand the same point. Take a iron nail, a piece of chalk and a rubber band. आपको तीन चीज़ें लेनी है, आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड. ट्राई ब्रेकिंग दम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. आपको हैमर करके देखना है, कट करके देखना, स्ट्रेच करके देखना है. इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक दैट अ पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद अ ग्रेट फोर्स, तो आप देखिए कि किस में पार्टिकल सबसे ज़्यादा ग्रेट फोर्स के साथ आपस में टच हुए हैं. ये भी एक्टिविटी सेम चीज़ को दिखाती है. The three above activities suggest that the particle of matter have force acting between them. तो इससे हमें पता चलता है कि जो particles हैं matter के उनमें एक force है जो उनके बीच में act करती है. This force keeps the particles together, और यही force particles को एक साथ जोड़ने में मदद करती है. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another matter. जो ये स्ट्रेंथ है ये फोर्स भी डिपेंड करती है कि किस तरीके का मैटर है, व्हाट काइंड ऑफ मैटर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर, दैट हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर ऑफ मैटर. सो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स. वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट टाइप्स, थ्री डिफरेंट स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस.
दी स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। और ये वेरिएशंस किस लिए होती है, क्योंकि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टिकल्स की, उसमें डिफरेंस होता है। तो अब हम एक एक करके इन सबको देखते हैं। फर्स्टली द सॉलिड स्टेट। सो हियर इज अ एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आपको चीज़ें इकट्ठा करनी है, एक पैन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। तो आपको पेंसिल के साथ उनके अराउंड नोटबुक में उनकी शेप बना लेनी है। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। तो क्या सबकी शेप सेम है, क्या सबकी बाउंड्री एक जैसी है, क्या सबकी वेट एक जैसा, वॉल्यूम एक जैसी है। What happen if they are hammered, pulled or dropped? क्या होगा जब इन्हें तोड़ा जाएगा, खींचा जाएगा या ड्रॉप किया जाएगा? Are these capable of diffusing each other? क्या ये डिफ्यूज हो पाएंगे आपस में एक दूसरे से? Try compressing them by applying force. आप फोर्स लगा के देख लीजिए। All the above are example of solid. These are the example of solid. So we can observe that a definite shape, distinct boundary एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इनकी शेप में कोई चेंज नहीं कर सकता, इनकी बाउंड्री कोई चेंज नहीं कर सकता और इनकी वॉल्यूम भी कोई चेंज नहीं कर सकता। यानी कि हैविंग नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, बहुत ही ना के बराबर इनमें हम चेंज कर सकते हैं। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड्स में अपने आप एक टेंडेंसी होती है, एक फोर्स होती है जो अपनी शेप को मेंटेन रख पाता है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। इनकी मतलब सॉलिड्स को हम ब्रेक कर सकते हैं फोर्स के साथ, लेकिन उनकी शेप में चेंज नहीं कर सकते। सो दे आर रिजिड। सो कंसिडर द फॉलोइंग। ए, वट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग? क्या आप स्ट्रेच करने से उसकी शेप चेंज हो जाएगी? नहीं, क्योंकि जो रबर आप स्ट्रेच करोगे उतने खिंच जाएगी, लेकिन वापस वो छोड़ने के बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन कैप्ट इन डिफरेंट साइज जार्स दे टेक द शेप ऑफ द जार्स? क्या आप शुगर और सॉल्ट को अलग अलग टाइप के जार में डालते तो उनकी शेप वैसी हो जाती है? नहीं, बिकॉज दे आर सॉलिड, दे डज नॉट चेंज देयर शेप। व्हाट अबाउट अ स्पंज, इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई? तो अब एक एग्जांपल है स्पंज का। तो स्पंज भी एक सॉलिड है, लेकिन आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? ऑल द अबव आर सॉलिड, रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप एज आई हैव टोल्ड यू। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और क्रिस्टल रिमेन फिक्स। मैंने ये भी आपको बता दिया कि सॉल्ट और शुगर की शेप फिक्स रहेगी। In the third example of sponge, we saw that it compresses when we compress it. So a sponge has minute holes. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे holes होते हैं जिनके अंदर air fill हो जाती है। जब हम press करते हैं तो ये air निकल जाती है, इसकी वजह से हम इन्हें compress कर पाते हैं, लेकिन ये फिर भी अपनी normal position में वापस आ जाते हैं। Let's see the liquid state. So firstly, let's see this activity. So collect the following. What you have to collect is water, cooking oil, milk, juice or cold drink. And secondly, container of different shapes. Put 50 ml mark on these container using a measuring cylinder from the laboratory. तो आपको ये चीज़ें चाहिए सारी। So what will happen if these liquid are spilled on the floor? तो क्या होगा अगर ये सारे liquid ज़मीन पर फैल जाए? Measure 50 ml of any one liquid and transfer into different container one by one. तो आपको क्या करना है, एक कंटेनर में, हर कंटेनर में 50 ml सारे लिक्विड्स डालने हैं। Does the volume remain the same? तो क्या वॉल्यूम सेम रहेगी? Does the shape of the liquid remain the same? तो शेप सेम रहेगी लिक्विड की। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? These are the questions which arises. So we observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume. यानी कि liquids की कोई fixed shape नहीं होती, लेकिन उनके fixed volume होती है। They take up the shape of the container in which they are kept. तो हम जिस container में डालते हैं वो उसी की तरह shape हो जाती है। Liquids flow and change shape so they are not rigid. और जो liquid हैं वो जल्दी flow हो जाते हैं और उनकी shape भी change हो जाती है, यानी कि they are not rigid but can be called as fluid. So refer to activities 1.4 and 1.5 where we see that solid and liquids can diffuse into liquids.
जो सॉलिड है और लिक्विड है वो डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड्स में, जब गैसेस फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन और जो गैस होती है एटमोसफियर में वो डिफ्यूज हो जाती है वाटर के साथ. दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि वही सर्वाइवल की दो गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल द लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल. हर क्रिएचर के लिए ब्रीथ जरूरी है अगर उन्हें सर्वाइव करना है. द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अंडर वाटर भी ब्रीथ कर पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है. दस वी मेक कॉन्क्लूड डेट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इन टू लिक्विड. यानी कि सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो या गैस हो, ये तीनों चीज़ें लिक्विड्स में डिफ्यूज हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड. जो लिक्विड का डिफ्यूजन होता है वो हायर होता है सॉलिड से. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड. ये क्यों हो पाता है? क्योंकि जो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स होते हैं वो मूव फ्रीली होते हैं, वो अलग अलग दूर दूर होता है, जिनकी वजह से ज़्यादा स्पेस होता है. अगर ज़्यादा स्पेस होगा तो जो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स हैं वो उतनी जल्दी उसमें मिक्स हो पाएंगे. नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज द गैशियस स्टेट. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? आपने देखा होगा. Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. So here is the activity to understand it. Take 300 ml syringes and close their nozzles by rubber cork as shown in the figure 1.4 like this. Close the syringe with a rubber cork and it is a syringe. Now remove the pistons from all the syringes. Pistons ko hata diye syringes mein and leaving one syringe untouched, fill water in the second and piece of chalk in the third. यानी कि आपको तीन सिरिंज लेनी है, तीन में से एक को ऐसे ही खोल के छोड़ देना है, दूसरे में वाटर फिल करना है और तीसरे में चौक का पाउडर. Insert the पिस्टन्स बैक इन टू द सिरिंजेस. पिस्टन्स को वापस सिरिंज में डाल दीजिए एंड यू मे अप्लाई सम वेसलीन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग दैम इन टू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट. तो आप पहले वेसलीन लगा दीजिए उन पर. नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कॉन्टेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज. तो पिस्टन को दबा के देखिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा कंप्रेस हो पाता है. सो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इन विच केस वॉज द पिस्टन ईजिली पुश्ड इन, तो कौन से केस में जल्दी पिस्टन पुश हो जाएगा. वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, नाउ टेल मी, इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू विच विल. वी हैव ऑब्जर्व डेट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. तो हमने ये ऑब्जर्व किया जो गैसेज हैं वो मोर कंप्रेस हो जाती है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड से. द लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG सिलेंडर डैट वी गेट इन आर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल एंड सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस. कंप्रेस्ड गैस होती हैं एक तो LPG जो हमारे होम्स में यूज़ होती हैं और दूसरी होती है ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज एज अ फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल. और जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो आजकल फ्यूल की तरह भी यूज़ होती है व्हीकल्स में. ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इन टू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली. गैस की हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस भी हम कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में भरकर ट्रांसपोर्ट ईजिली कर सकते हैं. वी कम टू नो ऑफ वट इज़ बींग कुक्ड इन द किचन विदाउट एंटरिंग देयर. तो आपने कई बार स्मेल क्या होगा कि आप किचन में जाते नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको पके हुए खाने की स्मेल आती है. द स्मेल रीचेज योर नॉस्ट्रल्स. हाउ डज दिस स्मेल रीच टू अस. हाउ डज दिस स्मेल रीच अस. तो ये स्मेल कैसे पहुँच पाती है. जो पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड इन द किचन. जो फूड मिक्स की अरोमा होती है वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाती है किचन से एंड रीच अस एंड इवन द फार्दर अवे और काफ़ी दूर तक उसकी स्मेल चली जाती है. द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज इन सेकेंड्स. यानी कि जो
बिल्कुल गर्म खाना होता है वो उसकी स्मेल और भी जल्दी आती है कंपेयर टू विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स. ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अनदर गैस. गैसेस की हाई स्पीड की वजह से और उनके में लार्ज स्पेस की वजह से ये दूसरी गैसेस के साथ बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, मिक्स हो जाती है. इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड. जो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी हाई स्पीड पे मूव करते हैं. ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर. द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एग्जर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. हेयर यू कैन सी द पार्टिकल्स एंड स्पेस बिटवीन देम. तो इन द सॉलिड्स देयर इज वेरी लेस मिनिमल स्पेस एंड पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर. इन द लिक्विड यू कैन सी द पार्टिकल्स आर फ्रीली मूविंग एंड इन द गैशियस स्टेट दीज आर वेरी फार अवे द पार्टिकल्स. Moving forward, now next topic is can matter change its state. तो क्या matter अपनी state को change कर सकता है? We all know from our observation that water can exist in three states of matter. Water तीनों state में हो सकता है, solid में ice की form में, liquid में water, normal water and gas as of water vapor. सो वट हैपन इन साइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट. तो क्या होता है मैटर के अंदर जब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होते हैं. वट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. तो पार्टिकल्स में क्या होता है, वट डज द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एंड वी नीड टू आंसर दीज क्वेश्चंस. सो वी वॉन्ट टू नो अबाउट दीज ऑल क्वेश्चंस. सो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. अब हम देखेंगे कि वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के मैटर्स के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर. लेट अस सी द एक्टिविटी. टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विद द आइस. तो आपको क्या करना है, एक 150 ग्राम ऑफ आइस लेनी है एक बीकर में और एक थर्मामीटर उसमें छोड़ देना है. Here you can see in this ice and beaker and glass stirrer. Now start heating the beaker on a low flame. Now the temperature when the ice start melting. तो temperature note करिए तब ice melt होनी start होती है. नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइसेस हैव कन्वर्टेड इनटू वाटर. उस टेम्परेचर को भी नोट करिए जब सारी आइस कन्वर्ट हो जाती है वाटर में. नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट. नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. तो आपको एक ग्लास रॉड लेनी है बीकर में, उसे स्टिर करते रहना जब तक पानी बॉयल ना करने लगे. कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर और थर्मामीटर पर अपने ध्यान रखिए. रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्शन ऑफ वाटर इंटू लिक्विड स्टेट टू द गैशियस स्टेट. तो आपको ये तीनों स्टेट की ऑब्जर्वेशन देखनी है. सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस. तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड का तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है. ड्यू टू दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड. तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो भी वाइब्रेट और तेजी से करने लगते हैं. द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल. जो एनर्जी सप्लाइड होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है. द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली. जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं फ्रीली. A stage is reached when the solid melt is in converted. और एक स्टेज ऐसी आती है जब सॉलिड बिल्कुल मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. The temperature at which a solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. So here is a question for you that what is melting point? So the temperature at which solid melts to become a liquid at the atmospheric temperature.
दिस इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल. जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दिखाता है कि सॉलिड के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि वो आपस में अट्रैक्शन कर पाता है पार्टिकल्स के में. सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 K. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन. यानी कि द प्रोसेस होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का, उसे कहते हैं हम फ्यूजन. व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन द सेम. जो सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम होता है. सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो. तो जो हीट की एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है. You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. तो आपने observe किया होगा कि जब तक melting point तक आप पहुँचते हैं तो temperature में कोई change नहीं होता till the ice melt, जब तक ice अच्छी तरीके से melt नहीं हो जाती. This happens even though we continue to heat the baker. ये होता है लेकिन उसके बाद भी हम उसे और heat continue रखते हैं उसमें. That is we continue to supply heat that this heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. As this heat energy is observed by ice without showing any rise in temperature, तो जो ये energy, heat energy होती है ये absorb कर लेती है ice without increasing in the temperature. It is considered that it gets hidden into the content of the beaker. यानी कि ये हमें दर्शाता है ये कि जो ice है वो अपने अंदर heat को hide कर लेती है without showing it. तो it is known as the latent heat. The word latent means हिडन. यानी कि जो लेटेंट का मतलब हिडन है, यानी कि हिडन हीट. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज. जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी चाहिए होती है एक केजी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो उसे क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 degrees Celsius यानी कि 273 Kelvin हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन द आइस एट द सेम टाइम. जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर में वो 0 degree पे भी उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है. एट द सेम टाइम वी कंपेयर इट विद द आइस एट द सेम टेम्परेचर. So when we supply heat energy to water, particles start moving even faster. जो हम heat देते हैं किसी भी substance को, किसी भी matters को, जो particles होते हैं वो fastly move करने लगते हैं. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. तो एक point ऐसा आता है heat बढ़ाने के बाद, टेम्परेचर होने के बाद, कि जो एनर्जी होती है उनमें वो ब्रेक करने लगती है फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर. एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस. ये वो टेम्परेचर होता है जब लिक्विड चेंज करती है अपने आप को इनटू अ गैस. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना. पार्टिकल्स फ्रॉम अ बल्क ऑफ द लिक्विड गेन्स इनफ एनर्जी टू चेंज इन द वेपर ऑफ स्टेट. जो पार्टिकल्स होते हैं बल्क ऑफ लिक्विड में से एनर्जी गेन करके वेपर स्टेट तक पहुंच जाते हैं. फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 Kelvin. और वाटर के लिए कौन सा टेम्परेचर होता है गैसियस स्टेट में आने के लिए, 373 Kelvin. सो क्वेश्चन इज, कैन यू आइडेंटिफाई द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या ये सेम होता है लेटेंट ऑफ फ्यूजन के. पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 Kelvin हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर. तो क्या होता है, जो वाटर वेपर में जितनी टेम्परेचर होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड. लिक्विड में सेम टेम्परेचर पे जितनी एनर्जी होती है उससे ज़्यादा वाटर वेपर पे होती है. दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन अ स्टीम हैव ऑब्जर्व
एक्स्ट्रा एनर्जी, ऐसा क्यों होता है कि जो स्टीम के पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो वी इन्फर फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इन टू अनदर स्टेट बाई चेंजिंग द टेम्परेचर. वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेज अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ हीट. तो हमने अभी पढ़ा कि कैसे सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है सॉलिड से लिक्विड में एंड लिक्विड से गैस में. बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू गैशियस स्टेट. लेकिन जबकि कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस फॉर्म में हो सकते हैं या फिर और वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. यानी कि बिना लिक्विड स्टेट में पहुंचे हुए ये डायरेक्टली गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो हियर इज अ एक्टिविटी फॉर दिस. नाउ टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड. कैम्फर होता है कपूर. क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश. तो इसे क्रश कर लीजिए, तोड़ लीजिए और एक चाइना डिश में रख दीजिए. पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश. तो आपको एक फनल लेना है, उसे उल्टा करके रख देना है, इन्वर्टेड ओवर द चाइना डिश. पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल लाइक दिस शोन इन दिस पिक्चर. सो इन दिस पिक्चर इट इज़ द चाइना डिश विद कैम्फर एंड इन्वर्टेड फनल एंड अ कॉटन प्लग ऑन इट्स टॉप. सो वट हैपन नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व. आप धीरे धीरे इसमें हीट, इसमें आग जला दीजिए और देखिए कि क्या चेंज होता है. वट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी. तो आपको क्या पता चलेगा इससे कि अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इट लिक्विड स्टेट. यानी कि एक सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं सबलाइमेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज सबलाइमेशन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अभी हमने टेम्परेचर का चेंज देखा, नाउ हम देखेंगे प्रेशर से क्या चेंज आता है. So we have already learned that the difference in various state of matter is due to the difference is the distance between the constituent particle. तो हमने ऊपर देखा था कि जो difference आता है इनके states में are because of the distance in the particles. So what will happen when we start putting pressure? तो क्या होगा जब हम इनमें pressure डालेंगे and compress a gas enclosed in a cylinder? Will the particles come closer? तो क्या पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे? डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. तो क्या आपको लगता है कि प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से मैटर के स्टेट में चेंज आता है या नहीं आता? अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. Solid CO2 get converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere. अगर हम प्रेशर में डिक्रीज कर देते हैं टू 1 atmosphere तो विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट द CO2 कन्वर्टेड इन टू द गैशियस स्टेट. दिस इज द रीजन दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. इसी वजह से जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ड्राई आइस बोलते हैं. तो हम कह सकते हैं कि द प्रेशर एंड द टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. तो जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो स्टेट को डिटरमाइन करता है, बताता है एक सब्सटेंस की, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन. सो डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर. तो क्या हमें हमेशा ज़रूरत होती है कि हम हीट में और प्रेशर में चेंज करें एक मैटर ऑफ स्टेट को दूसरे मैटर ऑफ स्टेट में लाने के लिए? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट. तो आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें जो लिक्विड है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? सो वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जो हम बिना ढका हुआ पानी रख देते हैं, स्लोली चेंजेस इनटू वेपर. तो जो ये धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. Wet clothes dry up. What happened to the water in the above two examples? तो क्या होता है वाटर के साथ इन दो एग्जाम्पल्स में? सो वी नो दैट
पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, तो हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं, एंड आर नेवर एट रेस्ट, और कभी भी रेस्ट पे नहीं होते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है डिफरेंट पार्टिकल्स में। तो इन केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सर्फेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स में भी, बहुत छोटे पार्टिकल्स में भी बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल, तो इनमें इतनी फोर्स होती है कि आपस में मूव कर सके, एंड गेट कन्वर्टेड इंटू वेपर। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इंटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सो वट इज एवेपोरेशन? फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इंटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। Now the point is, what are the factors which affect the evaporation? So let us understand this with an activity. So take a 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under the fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. And now take the 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard or a shelf in a glass. You have to do these three. Record the room temperature, record the time or the days taken for the evaporation process in the above case. So aapko observe karna hai ye cheez. Repeat the above three steps of the activity on a rainy day and record your observation. Aur same cheez hai aapko ek rainy day pe bhi karni hai aur tab observation record karni hai. So what do you infer about the effect of temperature? To aapko kya temperature ke effect pada? Surface area, wind and velocity on the evaporation. So you must have observe that the rate of evaporation increases with an increase of surface area. जब surface area increase होता है तो उतनी जल्दी evaporation का process होता है. We know that evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. तो जब हम surface area बढ़ा देंगे तो evaporation का process भी जल्दी होगा. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. तो हम कपड़े धोने के बाद जब हम सुखाते हैं कपड़ों को तो उन्हें खुली जगह पर रखते हैं, ज़्यादा space में. सेकेंड इज एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे जो पार्टिकल्स हैं काइनेटिक एनर्जी के वो जल्दी ही वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड थर्ड पॉइंट इज अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. तो ह्यूमिडिटी होती है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. द एयर अराउंड अस कैनॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर. जो एयर होती है हमारे आसपास वो एक डेफिनेट अमाउंट ही कैरी कर पाती है अपने साथ. इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, तो अगर एटमोसफियर में ही वाटर क्वान्टिटी ज़्यादा होगी तो वो कैसे और इवेपोरेट कर पाएगी, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगा. एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, wind speed. It is a common observation that clothes dry faster on a windy day. Why? With the increase in It is common observation that clothes dry faster on a windy day. With the increase in wind speed, the particle of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. So these are the factors which affect the evaporation. So first is increase in surface area, increase of temperature, decrease in humidity and increase in wind speed. Next is, how does evaporation cause cooling? Evaporation kaise cooling kar deta hai? In an open vessel, the liquid keep on evaporating. Ek vessel mein liquid evaporate karta rehta hai. The particle of a liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. To jo particles hote hai liquid ke, wo jo surrounding mein energy hoti hai use apne aap mein absorb kar leta hai jo evaporation ke time mein lost hui thi. This absorption of energy from the surrounding make the surroundings कोल्ड. तो जो ये एब्जॉर्वेशन होता है एनर्जी का सराउंडिंग से, ये सराउंडिंग को और भी ज़्यादा ठंडा बना देता है.
So what happens when you pour some acetone? Acetone means nail polish remover on your palm. How do you feel? The particle gain energy from your palm और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल. तो आप ये ट्राई करना, नेल पॉलिश रिमूवर को थोड़ा सा अपने हाथ पे लेना एंड यू विल फील कूल बिकॉज द एनर्जी इट गेन फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड मेक इट कूल. आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और एन ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सर्फेस. तो सनी डेज में आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो अपने घर के बाहर या अपने छत पे पानी स्प्रिंकल करते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते हैं. क्यों? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हीट होती है तो वाटर डालने से ये सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है एंड मेक द सरफेस कूल. कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल फ्रॉम द डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन? तो आप बताइए कोई एग्जाम्पल आपके पास हो तो. नाउ हेयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू दैट व्हाई डज वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? तो हम समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? सो ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आर बॉडी विच कीप अस कूल. तो समर के टाइम में हम ज़्यादा स्वेट करते हैं क्योंकि ये मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का जो हमें कूल करने में इफेक्ट करता है. सो वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, तो हमें पता है कि एवेपोरेशन के टाइम पे जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी. तो जो लिक्विड जो सरफेस होता है लिक्विड का वो एनर्जी गेन कर लेता है सराउंडिंग में से और द बॉडी सरफेस से एंड चेंज इनटू वेपर और वेपर में कन्वर्ट कर देता है. द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल. तो जो ये हीट एनर्जी होती है ये एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी कूल हो जाती है. कॉटन बींग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग टू द टेम्परेचर फॉर ईजी इवेपोरेशन. तो हम कॉटन क्लॉथ्स इसलिए पहनते हैं कि जो ये बहुत अच्छे होते हैं जो कॉटन है वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर है और ये हमारे सारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस ईजी हो जाता है और इवेपोरेशन से हमें कूलिंग मिलती है. नेक्स्ट इज Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? तो हमें water droplets दिखाई देती है जब हम किसी glass में या किसी bottle में cool water होता है तो. So let us take some ice cold water in a tumbler. तो आप लीजिए and soon you will see the water droplet on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in the air on coming in contact with a cold glass of water. तो जो water vapors होती हैं वो glass के contact में आने से एनर्जी लूज कर देता है विच कन्वर्ट इन टू लिक्विड स्टेट विच वी कैन सी एज द वाटर ड्रॉपलेट्स, जिन्हें हम वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में देखते हैं. सो हेयर दिस चैप्टर एंड्स एंड दिस इज द समरी. वंस यू शुड रीड इट and this is exercise. So thank you for watching our video and if you like it please do like, share and subscribe to our channel.